असदुद्दीन अवैसी एक दिन के गुजरात दौरे पर है। साबरमती जेल में बंद उत्तर प्रदेश के साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद से अवैसी मिलना चाहते थे, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी। जेल प्रशासन का कहना है कि अतीक से सिर्फ उनके रिश्तेदार और वकील ही मिल सकते हैं, इसलिए जेल प्रशासन ने अतीक अहमद से मिलने के लिए अवैसी को इजाज़त नहीं दी है। माना जा रहा था कि अवैसी इस दौरे के जरिए गुजरात से उत्तर प्रदेश में वोट साधने की कोशिश करेंगे। अवैसी गुजरात दौरे पर मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, इसी महीने की 7 सितंबर को अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन AIMIM में शामिल हो गई थी। समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका माना जा रहा था, क्योंकि शायस्ता परवीन को AIMIM से प्रयागराज की पश्चिमी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये सीट अतीक अहमद का गढ़ है। उत्तर प्रदेश में जीत किसी की भी पार्टी की हो, लेकिन इस सीट पर अतीक अहमद को कोई हरा नहीं पाया। अतीक अहमद इस सीट से लगातार 5 मरतबा MLA बने हैं, जो अभी एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट से रुकने पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और अब उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है। अब 5 महीने का वक्त बाकी है। उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी एक तरफ मुस्लिम वोट को लेकर अपना परचम लहराने की बात कर रही है, तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन 19% मुसलमानों की बात करते हुए आगे बढ़ रही है। अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का परचम 2022 उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में लहराता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि 2017 में भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन इस मर्तबा पूरी ताकत के साथ गठबंधन के साथ मुकाबला करने वाली है। अब आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता थे अतीक अहमद, वो तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में शामिल हो गए हैं। अब आने वाले वक्त में क्या मुख्तार अंसारी या फिर आजम खान, लेकिन आज मीडिया के नुमाइंदों ने असदुद्दीन अवैसी से फिर से आजम खान का सवाल किया। आजम खान क्या आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की पार्टी में शामिल होते हैं या फिर नहीं, ये तो आजम खान का ही फैसला होगा। लेकिन आजम खान के फर्जन अब्दुल्ला आजम और उनकी अहलिया उत्तर प्रदेश में रुकने असेंबली है, और अब आजम खान रुकने पार्लियामेंट रामपुर के है। आने वाले दिनों में क्या आजम खान या मुख्तार अंसारी, ये दोनों भी क्या मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में शामिल होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुसलमान वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है और वो भी आजम खान की वजह से है। और आज आजम खान जेल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आजम खान हो या फिर मुख्तार अंसारी, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन से ये नाम जुड़ रहे हैं। अतीक अहमद और फिर अब मुख्तार अंसारी और फिर आजम खान। मुख्तार अंसारी को मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने वेलकम कर दिया है, लेकिन मुख्तार अंसारी अभी तक मजलिस में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन अब चुनाव का वक्त जैसा जैसा करीब आ रहा है, सियासी तब्दीलियां देखने में आ रही है। सिर्फ 5 महीने का वक्त बाकी है और सियासी सरगर्मियां भी तेजी के साथ जारी है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश 2022 असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने कमर कस ली है। अब 22 सितंबर को बैरिस्टर अवैसी उत्तर प्रदेश के संभल में जलसे से मुखातिब करेंगे, और असदुद्दीन अवैसी की एंट्री को लेकर भी सियासी पार्टियों के हलक से पानी नहीं उतर रहा है। वार और पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। ईडी आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की इंक्वायरी करने वाली, पूछताछ करने वाली है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो लोग फेस करेंगे, मुझे यकीन है कि ये तमाम लोग जिम्मेदार लोग हैं और फेस करेंगे, फेस करते आ रहे हैं इतने साल से, तो ये भी फेस करेंगे। देखिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में BJP के 37% MLAs के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ही खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया, क्रिमिनल केस को,
और दूसरा उन्होंने एक केस में प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दी। तीसरा यह है कि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश से उनके एक सांसद है जिनका नाम आपको याद होगा प्रज्ञा ठाकुर है, जिन्होंने गोडसे की तारीफ की और हेमंत करकरे को श्राप दिया था, बदुआ दी थी। तो हमारा मानना यह है कि, और फिर उत्तर प्रदेश के आप सवाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 77 क्रिमिनल केसेस 7 बीजेपी के लीडर जिसमें मौजूदा अभी प्रेजेंट एमएलए हैं, जो मुजफ्फरनगर कांड में उनके पर केस हुआ था, उसको विड्रॉ कर लिया। तो अतीक अहमद के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर इलेक्ट्रल लॉ के तहत वो अभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर कोर्ट उनको कुछ फैसला देता है तो जब यकीनन देखेंगे, मगर अभी तो कोर्ट फैसला नहीं दिया है। और जिस तरह दूसरों पर भी क्रिमिनल केसेस है, इन पर भी क्रिमिनल केसेस है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मगर होता क्या है कि अगर किसी का नाम अतीक हो गया या मुख्तार हो गया तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का मामला हो जाता है, ये फर्क। आदम खान, अंसारी और अतीक अहमद वो लोग फेस करेंगे, मुझे यकीन है कि ये तमाम लोग जिम्मेदार लोग हैं और फेस करेंगे, फेस करते आ रहे हैं इतने साल से, तो ये भी फेस करेंगे।